हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योर लर्निंग स्पेस। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। टेंसेस एक ऐसा टॉपिक जो स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो इसीलिए हम अभी पहले इसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे। एंड यस, बिफोर आई स्टार्ट द लेसन, आई वुड लाइक टू मेंशन कि एक वीडियो जो है टेंसेस का टॉपिक हम कुछ पार्ट्स में करेंगे, मे बी 3 to 4 पार्ट्स में। सो यस, लेट्स स्टार्ट। टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज टाइम ऑफ एन एक्शन। मतलब वो वर्ब्स जो कि हमें किसी एक्शन की टाइम की रेफरेंस देते हैं, उन्हें हम टेंस कंसीडर करते हैं। देर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब जो भी चल रहा है, जो टाइम हमारा चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट टेंस में कंसीडर करते हैं। थिंग्स दैट आर ट्रू व्हेन द वर्ड्स आर स्पोकन और रिटन। वो चीज़ें या वो बातें जो उस वक्त सच हैं जब वो लिखी गई हैं, तो उन्हें हम प्रेजेंट टेंस में काउंट करेंगे। प्लस समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन नाउ, वो काम जो भी चल रहे हैं उनको हम प्रेजेंट टेंस में काउंट करते हैं। और इसके 4 पार्ट्स होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन और इवेंट दैट टेक प्लेस हैबिचुअली। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू रिमार्क हैबिट्स, फैक्ट्स एंड जनरल रियलिटीज, रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, इमोशंस एंड विशेस। मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या चीज़ें काउंट करते हैं? वो काम जो हम हैबिचुअली करते हैं, मतलब किसी चीज़ की हमें हैबिट है। जैसे वी लाइक टू स्विम, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ही लव स्विमिंग। या कोई फैक्ट बताना हमें, या कोई जनरल रूल बता रहे हैं, रियलिटी बता रहे हैं, कोई ऐसा एक्शन जो रिपीटेडली होता है, ही गोज़ टू स्कूल डेली। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो वो सारी चीज़ें। कोई इमोशन या विश, ये सब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें ये देखना है कि जो SES है ये कब लगता है, S और ES को हम कब ऐड करते हैं। जब सब्जेक्ट जो है हमारा सिंगुलर होगा तब हम SES को यूज़ करेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम SES को यूज़ नहीं करेंगे। इसकी कुछ एग्जाम्पल देखें तो दैट आर: राम प्लेज इन द गार्डन। राम क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम उसके साथ प्लेज लगा रहे हैं। मतलब जो V1 लगाई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, उसमें हमने S ऐड कर दिया है। बट जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं हम, तो उसमें आया दे गो टू द मॉल। दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ जो वर्ब आई है उसमें SES नहीं आएगा। और थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ का, और इसमें भी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है: द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वो सब अफर्मेटिव सेंटेंसेस के थे, पॉजिटिव सेंटेंसेस के। अब हम देखेंगे कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं: सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल या सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ? डू। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम यूज़ करेंगे डस। यस, तो ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल दिया है: श्रेया डज नॉट गो टू स्कूल। श्रेया सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो डज ले रही है, और नॉट आएगा नेगेटिव बनाने के लिए, और गो जो है वो अपनी नेचुरल फॉर्म में रहेगा V1। इसके साथ SES की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है: सिया एंड रूहानी डू नॉट लाइक इकोनॉमिक्स। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे हम डज नहीं लगा सकते, हम डू लगा। सिया एंड रूहानी डू नॉट लाइक इकोनॉमिक्स। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि इंटेरोगेटिव्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले लेते हैं सब्जेक्ट से। ये रूल हमने यहाँ मेंशन भी किया है कि इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। और इनके दो स्ट्रक्चर होते हैं:
फर्स्ट इज़ फॉर येस और नो क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो येस और नो पूछने में यूज़ होते हैं, और दूसरे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं. इनके एग्जांपल्स देखते हैं. डू यू लाइक कुकिंग एंड व्हाट डू यू वांट. तो यहाँ पे हमने दोनों यूज़ कर लिए हैं, डब्ल्यू एच फैमिली डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन के स्ट्रक्चर से व्हाट डू यू वांट, एंड डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट से डू यू लाइक कुकिंग. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आर टॉपिक टेंस. इस पार्ट में हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस, हाउ टू यूज़ इट इन पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म. और नेक्स्ट पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस से, हाउ टू यूज़ इट, उसकी अलग अलग फॉर्म्स एंड देन फर्दर. एंड येस, टिल देन स्टे ट्यून. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. टिल देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन.